पर दो सफलता भी मिली थी करण घनसोलकर को, लेकिन अच्छी कोशिश, अच्छी बल्लेबाजी सागर भातुसे के माध्यम से 71 रनों का पीछा करने के लिए उतरी थी टीम। पहले ओवर में दो झटके जरूर मिले, लेकिन अंतिम क्षणों में अच्छी बात की, एक और बल्ले के बीच बीच गेंद आई थी, डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, एक और छक्का। सो मच। बात करेंगे तो पहला पावर प्ले यहां पर समाप्त होता है, फील्ड की पाबंदी अब हट चुकी है, बैटिंग पावर पे अब भी बचा रहेगा ओवे कैंप क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन यहां पर दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए थे अन्ना गातड़े और पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया सागर ने। सागर ने तीन गेंदे खेली है, 13 का योगदान, टीम का टोटल स्कोर अब तक 17 रनों के ऊपर पहुंच चुका है। यहां पर किस तरीके से रोका जाए इस खिलाड़ी को, इस खिलाड़ी को वापस भेजना एमबीवली क्रिकेट टीम के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इस खिलाड़ी के हौसले बुलंद है, इस खिलाड़ी का इरादा अलग है, इसकी बैटिंग स्टाइल अलग है। बैक टू बैक लगातार दूसरा छक्का सागर के बल्ले से। सो मच। लगातार दो गेंदों के ऊपर दो छक्के सोच में डाले अंबिवली क्रिकेट टीम के कप्तान को बहुत सलाम मुशर किए जा रहे करण घनसोलकर के साथ, जिन्होंने सिर्फ पहले ओवर में 11 खर्चे, लेकिन अन्ना ने दो गेंदों के ऊपर दो छक्के खाए। इसी टूर्नामेंट में अमदा ट्रॉफी 2019 में हमने पहले दिन 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी देखा था। बल्लेबाज थे अंबिवली क्रिकेट टीम के शैलेश सांडेकर, जिनके बल्ले से 6 गेंदों में 6 छक्के भी निकले थे और इस मैदान के ऊपर रन बन सकते हैं। ये छोटा सा मैदान, सीमा रेखा थोड़ी सी शॉर्ट है और बल्लेबाजों के लिए मददगार है। मिस टाइमिंग स्ट्रोक भी यहाँ पर सीमा पार हो रहे हैं और टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है 23 रनों के ऊपर। गेंदबाज अन्ना गातड़े राउंड द विकेट, थोड़े से प्रेशर में होंगे, लगातार बैक टू बैक ये तीसरा छक्का, पहला आया था लॉन्ग लेग के ऊपर से, दूसरा आया मिड विकेट के ऊपर से, तीसरा भी आया मिड विकेट के ऊपर से। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर सागर भातुसे के बल्ले से। सो मच। कैसा रोका जाए इस खिलाड़ी को, कई सारे सवाल, अब घबराहट शुरू हो चुकी है। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट से आएंगे चौथी गेंद और यहां पर गेंद जाएगी नंबर 4 पर सागर भातुसे, जबरदस्त बल्लेबाजी, बैक टू बैक चौथा छक्का।